लगातार 1 जुलाई से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था हमारे वन विभाग के डीएफओ सर के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, जिसमें आप लोगों ने एक सिंबल के रूप में, जबकि और भी हमारे बच्चे बच्चियों ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया है। बिहार में फॉरेस्ट की बात हो और पश्चिम चंपारण जिले का जिक्र ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। अब तो यह जिला अर्बन फॉरेस्ट बनने की दिशा में भी कार्यरत हो चला है। दरअसल हाल ही में संपन्न हुए 74वें वन महोत्सव समारोह के उपलक्ष्य में जिले में वन विभाग, मनरेगा तथा जीविका दीदियों की तरफ से तकरीबन 16,62,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। खास बात यह है कि राज्य का यह सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण पहले से ही घने जंगलों तथा जैव विविधताओं से प्रसिद्ध है। ऐसे में इस प्रकार के लक्ष्य की सफलता शहर को अर्बन फॉरेस्ट बनाने तथा भीषण गर्मी में भी तापमान को पहले की तुलना में 2 से 3 डिग्री तक कम करने की दिशा में सफल हो सकता है। दरअसल ऐसा हम नहीं बल्कि पर्यावरणविदों का कहना है। मेरा नाम प्रसाद गुरुदत्त मनीश्वर है। मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का भूतपूर्व छात्र हूँ। मैं एक पर्यावरणविद और शिक्षाविद हूँ। फिलहाल मैं पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध संस्था वात्सल्य वर्ल्ड प्योर एज मदर्स लव में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। यह संस्था पर्यावरण एवं वन विभाग बेतिया का सहयोग प्राप्त कर 2018 से पर्यावरण संरक्षण की दिशा में कार्यरत है। इस वर्ष 74वें वन महोत्सव के अवसर पर श्री प्रदुमन गौरव वन प्रमंडल पदाधिकारी बेतिया के द्वारा बेतिया पुलिस लाइन परिसर में वन महोत्सव समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में पौधारोपण किया गया और पर्यावरण संरक्षण के महत्व पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साथ इस कार्यक्रम में इन्वायरमेंट वॉरियर्स को सम्मानित किया गया। मुझे आपको बताते हुए यह हर्ष हो रहा है, उन इन्वायरमेंट वॉरियर्स में मैं भी शामिल था, जो कि अपने आप में एक गौरवान्वित क्षण था। इस कार्यक्रम में जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा एक घोषणा की गई कि इस वर्ष वृक्षारोपण का लक्ष्य 16,62,000 के करीब में रखा गया है। ये लक्ष्य जितना बड़ा है उतना ही बड़ा जो है इसका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा यदि हम सब मिलकर इस लक्ष्य को साकार करने में अपना योगदान दें, क्योंकि यह लक्ष्य जिला प्रशासन, पर्यावरण एवं वन विभाग, जीविका जल जीवन हरियाली मिशन और इंडिविजुअल्स की मदद से क्रियान्वित किया जाना है। इस लक्ष्य को यदि हम साकार रूप दे देते हैं तो यकीन मानिए अगले 2 वर्षों में हमारे जिले में आप तापमान में गिरावट महसूस करेंगे। आज ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, उनसे लड़ने में ये लक्ष्य बड़ा कारगर सिद्ध होगा। आप लगभग 2 डिग्री सेल्सियस के तापमान में गिरावट महसूस कर पाएंगे और यह लक्ष्य जो है हमारे अर्बन फॉरेस्ट के कॉन्सेप्ट को भी जो है अचीव करने में मदद करेगी। मैं आप सभी जिले के निवासियों से यह आग्रह करना चाहूँगा कि आप सभी इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। आपका छोटा सा सहयोग एक बड़ा बदलाव लाने में एक मदद कर सकता है। और मैं ये कहना चाहूँगा, अर्थ इज अ शेयर्ड प्लैनेट, इट्स आवर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू कंजर्व आवर प्लैनेट।